अपने स्टूडेंट्स क्लास टेंथ। बेटा आज हम लेसन थ्री हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉर्न लॉ। बेटा ये टॉपिक अपने आप में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और जहां तक मेरा अपना एनालाइजेशन है, ये जो टॉपिक है ये हर साल किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो इस टॉपिक पर बोर्ड के अंदर आता है, इसलिए हम इसको बहुत ही कंसंट्रेशन से डिस्कस करेंगे। कॉर्न लॉ ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम लैंड ओनर्स। देखिए यहां पर ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम लैंड ओनर्स, यानी कि जो हमारे यहाँ के जमीन मालिक थे, उनके प्रेशर देने से, उनकी दबाव देने से गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, के हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने जो कॉर्न इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से इंडिया के अंदर, उसके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। अभी कंडीशन अराइज क्यों हुई? जब इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर कॉर्न को इंपोर्ट होने पर जो ब्रिटेन से हो रहा था उस पर बैन लगाया, उस पर दीज बाई लॉज बनाकर स्टार्ट कर दिए, तो वो दीज बाई लॉज जो थे उसको हमने कॉर्न लॉ का नाम दिया। और जब ये कॉर्न लॉज स्टार्ट हो गए तो उस स्टार्ट होने के बाद हमें एक चीज दिखाई थी कि हमारे यहाँ जो आफ्टर दैट द फूड प्राइसेस बिकेम एग्जॉर्बिटेंट, के फूड के जो प्राइस हैं वो बिकेम एग्जॉर्बिटेंट, यानी कि हमारे पहुंच से बाहर होते चले गए, और हमारे यहाँ के दो लोगों ने, एक वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, एक वो लोग जो गांवों में रहने वाले लोग थे, उन्होंने इन हाई रेट से, कॉर्न के जो रेट हाई हो गए थे उनसे वो लोग नाखुश थे, और ये बात कही कि दे फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एबॉलिश द कॉर्न लॉ, के हम जो ब्रिटिशर्स ने कॉर्न लॉ के नाम पर कानून बनाए हैं और हमारे यहाँ के अंदर, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर उसे अप्लाई कराया है हमें फोर्सफुल करके, तो हम उन कॉर्न लॉ को एबॉलिश करते हैं, उन्हें हम डिनाई करते हैं, नकारते हैं आफ्टर एबॉलिशन ऑफ लॉज। और जब हमने इन कॉर्न लॉज को डिनाई करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फूड वुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन एट मच चीपर रेट, तो उस कंडीशन में जो है वो ब्रिटेन के अंदर जो है वो ज्यादा कीमत पर गुड्स जो है वो अवेलेबल होने लगे, यानी कि हमारे यहाँ कॉर्न की जो खेती हो रही थी, हमारे यहाँ दीज बॉय लॉज स्टार्ट कर दिए गए, रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई, रुकावट पैदा कर दी गई, और क्या कहना चाहिए, अपनी मर्जी से उन्होंने अपने रेट पर उसको परचेज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस क्या कहना चाहिए, और जो चीजें ब्रिटेन से हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट की जा रही थी उनके रेट को हाई कर दिया, तो हमारे यहाँ फूड के रेट जो है वो बहुत हाई हो गए, और हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और जो गरीब लोग थे, गांवों में रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या काम कर दिया, वो इससे नाखुश थे, उन्होंने इसका एबोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कॉर्न लॉ जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हमारे यहाँ पर उसके क्या क्या इफेक्ट्स दिखाई दिए, अब हम वो इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर बेटा इफेक्ट्स की बात करते हैं कि जब हमने कॉर्न लॉ का एबोल्यूशन किया तो उसके इफेक्ट्स क्या हुए। तो यहाँ पर ये देखिए कि पहला इफेक्ट जो है वो फूड प्राइस जब फेल हुए, यानी कि फूड के प्राइस जब डिक्रीज हुए, तो ब्रिटेन के अंदर कंजम्पशन की कैपेसिटी बढ़ गई,
यानी कि उन्होंने अपने यहाँ पर जो प्राइस ऑफ द गुड्स थे उनको डिक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होनी है। ये तो इकोनॉमिक्स का पहला रूल है, व्हेन द प्राइस फेल डाउन द डिमांड टू बी इंक्रीज एंड व्हेन द प्राइस टू गो राइज द डिमांड टू बी डिक्रीज। ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और उन्होंने वो सिद्धांत यहाँ पे यूज किया कि ब्रिटेन के मार्केट के अंदर गुड्स के प्राइस को डाउन किया और वहां मार्केट के अंदर गुड्स की डिमांड राइज होने लगी। उसके बाद मिड 19 सेंचुरी में जब ये कंडीशन स्टार्ट हुई कि प्राइस डाउन हो गए और कंजम्पशन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो 19 सेंचुरी में क्या होना था, वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री के अंदर फास्टर ग्रोथ होनी थी कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे प्राइस जो है वो कमोडिटी के डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे और डिमांड इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी भी स्टार्ट हो जाएगी, और जिसका इफेक्ट पड़ा हमारी इंडस्ट्री जबकि ग्रोथ जब हुई तो वहां के हायर इनकम पर। तो ब्रिटेन के मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ कमोडिटी डाउन हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, उस डिमांड इंक्रीज होने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने से वहां की इनकम बढ़ी एंड मोर डिमांड फॉर फूड और फूड की डिमांड भी अराइज हो गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड इफेक्ट की। थर्ड इफेक्ट है वो है कि उसको देखते हुए, यानी ब्रिटेन को देखते हुए कि ब्रिटेन ऐसी पॉलिसी स्टार्ट कर रहा है और उसका बेनिफिट उसे पहुंच रहा है, तो उसके जो कंट्रीज थे आपस में बराबर में, वो यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास जो लैंड थी, जमीनें थी कल्टीवेशन के लिए, इन्होंने अदर क्रॉप का कल्टीवेशन जो है वो कम कर दिया और के जो ये क्रॉप थी, कॉर्न थी, इसका कल्टीवेशन ज्यादा कर दिया कि जिससे वो ब्रिटेन की कंपटीशन जो है वो पूरा कर सके, कि ब्रिटेन जिस कमोडिटी को जितना प्रोड्यूस कर रहा है, हम भी अपनी जमीनों को अदर कमोडिटी से क्या कर दें, क्लियर कर दें, खाली कर दें और हम उसके अंदर कॉर्न को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, कि जिससे कि हम ब्रिटेन की जो क्या कहना चाहिए प्रोड्यूसिंग पॉलिसी है उसे अपना लें और हमें हमारे यहाँ भी उसकी जो क्या कहना चाहिए कंजम्पशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए और हमारी इनकम भी इंक्रीज होने लगे और हम भी कंपटीशन मार्केट के अंदर वही स्टेज बना लें कल्टीवेटेड कल्टीवेशन के अंदर जो एक ब्रिटेन ने बना रखा है, वही हंगरी, यूरोप भी, रशिया भी, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम उसके और जो इफेक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तीन इफेक्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इसको हमने इफेक्ट ऑफ एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ कहा है।
फैक्ट्स का स्टार्ट होता है, उसने कहा है कि न्यू रेलवेज एंड हार्बर्स वर नीडेड, कि जब इतनी डिमांड अराइज हो गई तो वहां पर अब रेलवेज की भी जरूरत पड़ने लगी और जो शिप्स थे उनके लिए हार्बर्स की यानी बंदरगाह की भी जरूरत पड़ने लगी, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वर नीडेड टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अगर हमें खेती के प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट करने हैं तो हमें रेलवेज गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो हमें रेलवेज को एस्टेब्लिश करना होगा, और क्या कहना चाहिए, अगर गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो हमें शिप्स यानी कि पानी के जहाज और उनके लिए उनके बंदरगाह की अवेलेबिलिटी करनी होगी। तो जब वो डिमांड इंक्रीज हुई, उनके पास इनकम इंक्रीज हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज हुआ, तो उन्होंने अपने साथ साथ दूसरे कंट्रीज में भी उसको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए उन्हें रेलवेज की और हार्बर्स की जरूरत होने लगी। उसके बाद फिफ्थ इफेक्ट ये हुआ कि जब हमारा इतनी कैपेसिटी जो है प्रोड्यूस करने की वो इंक्रीज हो गई, तो उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए हमें उसके लिए नंबर ऑफ वर्कर्स की भी जरूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड मोर होम्स, और ऐसे वर्कर्स जो माइग्रेट होकर आ गए थे वहां पर और उनको काम करना की जरूरत थी, और हमें क्या कहना चाहिए उन इंडस्ट्रियलिस्ट को जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे उन्हें भी प्रोडक्शन कराने के लिए पर लेबर की जरूरत थी, तो वहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत होने लगी और उनके लिए घरों की भी जरूरत होने लगी, क्योंकि वो माइग्रेट होकर आए थे। उनका सेटलमेंट किया गया, ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर, और वर्कर्स के लिए उनके यहाँ के होम सेटलमेंट के लिए और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सबके लिए जो है वो कैपिटल की जरूरत पड़ने लगी, और जब कैपिटल की जरूरत पड़ने लगी तो उस कैपिटल की अवेलेबिलिटी जो है वो कहाँ से होने लगी, फ्रॉम द फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन, लंदन के फाइनेंशियल सेंटर से, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लंदन का, ऐसे अदर कंट्रीज थे जिन्होंने अपने आप को एक फाइनेंशियल सेंटर बना रखा था इस क्या कहना चाहिए बिजनेस के लिए, इस ट्रेड के लिए, क्योंकि उन्हें इनकम जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है इनकम जो है वो हासिल करनी थी, इसलिए पहले पैसा को इन्वेस्ट किया गया, कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया, तब रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग जो है वो स्टार्ट हुई, और इन सब चीजों को उसका सेटलमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वर्कर्स का सेटलमेंट करने के लिए, घरों को बनाने के लिए, ये सब काम करने के लिए जो है वो लंदन ने पैसा अवेलेबल कराया। तो यहाँ पर ये आपके सिक्स इफेक्ट्स हो गए जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब जो इफेक्ट्स रह गए हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे।